अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। सो हमारी अभी रिसेंटली शादी हुई है और मुझे खाना बनाना बहुत कम आता है। बहुत कम आता ही नहीं है। भगवान मुझे कुकिंग सिखाते हैं। तो आज आज आप क्या बना रहे हैं? आज यार स्टार्ट करते हैं। जब सुबह उठूंगा तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो तो नाश्ता होता है ना, तो इसलिए आज जो है ना हम स्टार्ट ले रहे हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं आप? ये ऑमलेट है। नॉर्मली हम लोग घर पे जो है ना अक्सर अंडा घोटाला ही है, लेकिन बस ये थोड़ा सा हमारे अपने स्टाइल से, थोड़ी सी मेरी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। लेकिन आप लोग इसको कुछ और कहते हैं, हॉच पॉच हॉचपॉच एग। अबू ने रखा है इसका नाम, ये हॉच पॉच। तो ये हॉच पॉच जो है ना अच्छा, थोड़ा यूं करें, जरा तो कटिंग स्किल्स। लेकिन आपने हाथ रख दिया, क्या चीज़ भाई, आपकी अभी कटिंग स्किल्स नहीं नजर आ रही, तो मैं सीखूंगी कैसे? ये काटना भी नहीं आता तुम्हें? काटना तो आता होगा है कटिंग आती ना? बात सही है। इतना तो तुम्हें जो मैंने को बोला कुछ तो सीख के आना। तुमने कुछ कितना सीखा है? नहीं, तुमने क्या क्या सीखा अभी तक? मुझे नाश्ता बनाने आता है वैसे। ये ऑल अंडा आता है। हाँ, मैं सी मुझे आता है। ऑमलेट बनाना आता है, नॉर्मल वाला एग बनाने आता है, आता है सब कुछ, चाय बनाने आती है। लेकिन बात ये बंदा सारी ज़िंदगी ये चार पांच चीज़ें नहीं खा सकता। जैसे पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना फिर एक दो चीज़ें और खानी पड़ती हैं अलग से। वो मुझे निहारी भी आती है। तो तुम छोड़ ही मारती हो शुरू से। तो ये कब तक होगी कटिंग बस इसकी? ये हो गया, होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें। इसमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। पैन हमने गर्म कर लिया, चूल्हा जल चुका है अच्छे ऑयल से। नहीं हम डाला? हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ा प्रो नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ आता है थोड़ा थोड़ा, तो वो हम सिखा रहे हैं। इस तरह का सीन है ना। घी डाल रहे हैं, घी घी में बनाते हैं यार, पता नहीं क्यों घी में बना रहा हूँ, लेकिन बस घी में बना रहा हूँ। हेल्दी करने के लिए। हेल्दी वेल्दी नहीं होता घी भी, सॉरी। घी भी हेल्दी वेल्दी नहीं होता। हेल्दी नहीं होता घी, ये क्या बात है? तो हेल्दी तो असली घी होता है बस, ये ये नकली असली घी नहीं है, ये नकली घी है मेरे ख्याल से। ये बहुत है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा सा ऑयली होता है। हमने जो भी काटा था ना सब मवाद हमने इसमें डाल दिया है। हो गया जानी, डन डन। अब जो है चम्मच चाहिए हमें। इसको जो है आप भूनो फाइन करेंगे, भूनो फाइन करेंगे। भूनो फाइन क्या है ये, क्या है? ये जो भूनते हैं ना, हाँ उसको ना लड़कियां बोलती हैं भूनो फाइन। अच्छा, ये पता है तुम्हें? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि खाना बनाना कैसे या भूनना कैसे। ये बताए कि वीडियो तो बोलते क्या है देखी है भूनो ना, फाइन। वीडियोस तो देखी है ना। इसमें ना नमक ऐड करना है, नमक? क्योंकि नमक से ना चीज़ थोड़ी गलना स्टार्ट होती है। नमक से ना जो है ना चीज़ जल्दी गलती है, नमक लग जाता है जब उस पर, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डाले डाल रहा हूँ। ये दो तीन बार में डाला है, लेकिन मैं बहुत कम कम डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बहुत भर भर के डाला है, तो कुछ लोग ये ना सोचेंगे मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। हाँ, अब इसके बाद क्या डालेंगे? इसी में ही थोड़ी सी डालेंगे हम, अभी नमक डाला है ना, अभी लाल मिर्च। लाल मिर्च मेरा अपना कोई हिसाब नहीं है, बस मैं डालता रहता हूँ, खुद ही सही हो जाती है और बस। बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। ये हटा लो ये। अब इतना देर हमें इसको पकाना है दिखाएं? कि टमाटर जो है कलर अच्छा आ गया ना। हाँ, कलर तो अच्छा है। और चाय कौन बनाएगा? चाय बनी ये पहले से बनाई थी। ओहो, वेरी स्मार्ट। यार हम ना चाय ढक देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ना जा रहा है। ये सब कुछ पूरा जो है ना नरम नरम होगा ना, तो उसको आप ढक रहे नहीं है? खुद ही हो जाएगा। टमाटर बहुत गला हुआ था, ये था अब वेट था, बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा, था।
ये देखो इसकी, ये देखो इसका कैसा लुक आया अभी, अच्छा मजे का लुक लग रहा है ना ये, है ना। वेरी नाइस। अब इसमें डालेंगे अंडे। अंडे भी डालेंगे, लेकिन अंडे भी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको और गलाने दो, फिर डालेंगे इसमें अंडे हम। थोड़ा सा बिल्कुल ये गल जाए ना, जितना पतला होगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ अब अंडा डालने के लिए हम, इसके अलग एक चीज़ है जो कि मैं करता हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग करें ना करें, क्या करते हैं आप? हम लोग जो है मक्खन? बिल्कुल ये बीच में जो है ना, हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे मक्खन। ये माजरीन नहीं है, मक्खन ही है, लेकिन डब्बा हमने वो यूज़ किया हुआ है, माजरीन हम लोग नहीं यूज़ करते। ये तो साइड पे चला गया। तो मसला नहीं है, कहाँ जाएगा, बच के आ ही जाएगा वापस, है ना। बीच में तो नहीं आया, नहीं बीच में तो नहीं आया, आ गया। नहीं बीच बीच का मसला नहीं है, ये जो है ना बस मुझे अंडा डालना है, तो मैंने कहा अंडा चिपक ना जाए। अब जो है ना अब अंडे डालेंगे। अंडे डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे, और अंडे कच्चे रह जाएंगे। ये हो गया। अब आपने इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट नाइस। अंडे डालने हैं, कोई दूसरा ये नहीं कि फेंटना वेंटना है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपने जो है इसी में ही अंडे डाले, कैसा। कूल। और अब जो है आपने ये जल्दी तोड़ी, अब आपने इसको अच्छे से ना, जो हमने सारा बनाया हुआ है ना, आपने अच्छे से बस इसको मिक्स करना है। इसको स्क्रैम्बल एग भी बोलते हैं। स्क्रैम्बल एग होता है कि आपने बस सीधा सीधा अंडा डाला, अच्छा, अंडे उसको को थोड़ा तोड़ चला दिया। चला के आपने जो है ना तोड़ वोड़ दिया और बन गया, वो होता है स्क्रैम्बल एग। ये तो जितनी इस पर चीज़ें डली हुई है ना, ये अलग लेवल का एग है। थोड़ा सा यहाँ से बाहर आने की कोशिश करे, अंदर कर लो। वीडियो जो देख रहा था तुम्हारे फ़ोन में, तो उसकी वजह से गिर गया। अच्छा, सही से बनाए ना? ये कैसे सिखाएंगे आप मुझे? तुम्हें भी सीखा है कि नहीं, सीख लिया, बहुत इजी है। और आसान है अभी। इसके देखो ये बनता कैसे, इसकी लुक देखना एंड सही में, है। एंड इसकी लुक कैसे आती है। मम्मी लोग इसमें ना नॉर्मली, आज नहीं डालना मैं, लेकिन इसमें ना 2-3 चम्मच दूध के भी लोग डालते हैं। अच्छा हाँ, दूध भी डालते हैं थोड़ा सा। वो तो इस फेंट जब वो प्याले में फेंट रहे होते हैं तब डालते हैं। हाँ फुल ढाबा स्टाइल भाई, पैन पकड़ लिया है हाथ में। बस हो चुका है ना, बस में तेज हुई हो आज बहुत। अंडा वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पकता, लोग बहुत ज़्यादा पका देते हैं अंडा जो है ना, उसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता। अच्छा, देखो कैसा बना है, चेक करो लुक, देखो कैसा आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा। जबरदस्त, यमी, इसको आप खाओ ब्रेड से, नान, कुलचा, रोगनी, सबसे खा सबसे सकते हो खा आप इसको। सकते हैं। लेकिन लुक अच्छा है, कलर अच्छा है, हाँ, अच्छा लग रहा है, भूख ज़बरदस्त। लग रही है। तो वह खा लेते हैं ना बस। आप चलें फिर, वीडियो बंद करो, फिर जो है ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी डिश के साथ। ये बहुत बेसिक थी, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया है, बच्ची घबरा ना जाए इसलिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके और अच्छे मुश्किल चीज़ें बनाएंगे, और फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।